रावण के मूत्र से बना देवघर में स्थित ये तालाब। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे इतिहास की एक और नई कहानी नई जिंदगी पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राज रावण हिमालय पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। शिवजी को प्रसन्न न होता देख उसने एक एक करके अपना सर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10वें सिर को ज्यों के त्यों कर दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। शिवजी की तपस्या करते करते रावण के मन मंदिर में भगवान शिव की श्रद्धा घर कर गई थी और उसने भगवान शिव से खुद को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बनने का वरदान मांगा और साथ ही भगवान शिव को कैलाश छोड़ अपने साथ लंका चलने की इच्छा भी जताई। तब भगवान शिव ने रावण को अपना सबसे बड़ा भक्त बनने का वरदान दिया और खुद को शिवलिंग के रूप में रावण को लंका ले जाने की अनुमति भी दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में वह शिवलिंग को पृथ्वी पर रख देगा तो वह वही अचल होकर स्थापित हो जाएगा। अंततः वही हुआ। रावण को अपनी शक्ति पर गुमान था और वह शिवलिंग लेकर चल पड़ा, जिसके बाद सभी देवता घबरा कर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और इस अनर्थ को रोकने के लिए प्रार्थना की। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची और उन्होंने वरुण देव को जलपान के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इधर रावण जब शिवलिंग लेकर आगे बढ़ रहा था तभी उसे जोरों की प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने हेतु उसने जलपान किया और इस जलपान के दौरान उसके पेट में वरुण देव प्रवेश कर गए। जब रावण जलपान करके पुनः शिवलिंग को लंका की ओर ले चला तो उसे बहुत तेज लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने वहां बैजू नामक बालक बने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वह शिवलिंग को अपने हाथों में ही थाम कर रखे जब तक वह लघु शंका करके न आ जाए। रावण के पेट में वरुण देव समा गए थे, इसलिए वह लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता रहा। उसने इतना मूत्र विसर्जन किया कि उससे एक बड़ा तालाब बन गया। इस बीच बालक बने भगवान विष्णु जी ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद ही रावण की लघु शंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो वह अपने लाख कोशिशों के बावजूद भी शिवलिंग को उखाड़ नहीं पाया और निराश तथा क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका चला गया। मित्र, रावण के मूत्र से बना ये तालाब बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के ठीक सामने आज भी उसी अवस्था में है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पास 2 तालाब है, एक में लोग स्नान करते हैं लेकिन दूसरे तालाब के पानी को कोई छूता तक नहीं। लोगों का ऐसा कहना है कि इस तालाब का निर्माण रावण के मूत्र से हुआ था और यह तालाब आज भी रावण तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।